हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है ढोंगी बाबा, फर्जी देश और यूएन में प्रवेश। थैंक यू, नो क्लैप्स फॉर द टाइटल, मैंने ये कहीं से चुराया हुआ है। अबे साले। तो मैं बात कर रहा हूँ आज श्री परमहंस स्वामी नित्यानंद के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब इनके रिप्रेजेंटेटिव यूएन में पहुंच गए और इंडिया पर आरोप लगाए कि भैया इन्हें इंडिया में परसिक्यूट किया गया था। Now, the Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. Well, ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु में, जब अरुणाचलम राजेश करम का जन्म होता है तमिलनाडु में। फिर 22 साल की उम्र में ये क्लेम करते हैं कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है और उसके बाद से ही ये अपने आप को स्वामी नित्यानंद बुलाना चालू कर देते हैं। शुरुआत के दिनों में ये हॉस्पिटल जा जाकर लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान देते थे और जब वो ठीक हो जाते थे तो वो उसका क्रेडिट खुद ले लेते थे। वर्किंग ऑन द माइंड इज वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बॉसेस जो है वो क्रेडिट छीन लेते हैं। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और तो और इन्होंने इंडिया में भी और यूएस में भी अपने आश्रम एस्टैब्लिश कर दिए। ये थोड़े से मैं अपना फेवरेट हूँ टाइप्स के हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड और फेंकते भी बहुत ज्यादा है। अबे साले, जैसे इन्होंने क्लेम किया था कि ये आंख बंद करके 360 डिग्रीज देख सकते हैं, दीवार के आर पार देख सकते हैं और तो और गायों से संस्कृत में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि ये सनराइज को 10 मिनट के लिए रोक सकते हैं। तो इसके लिए तो मतलब अर्थ को रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि सन तो वही है। ठीक है, इतनी अकल इसको होगी नहीं। और इसके अलावा ये कहते थे कि ये शिव के अवतार है। कॉन्ट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है 2010 में, जब सन टीवी एक क्लिप प्ले करता है जिसमें स्वामी नित्यानंद एक फीमेल फॉलोअर के साथ कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशन में पाए जाते हैं। बकवास, दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद से ही इनका और कॉन्ट्रोवर्सीज का नाता जुड़ गया। फिर 2017 में इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं जब एक फीमेल फॉलोअर की डेथ हो जाती है इनके आश्रम में अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। फिर 2019 में इनके ऊपर अबडक्शन के आरोप लगाए जाते हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने दो लड़कियों को गुजरात से अबडक्ट किया है। फिर थोड़े दिन बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये दो लड़कियां क्लेम करती है कि वो अपने मर्जी से स्वामी नित्यानंद के साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो चली गई हैं। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें वो कहती है कि स्वामी नित्यानंद इंडिया से भाग चुके हैं और वो कहीं पे इक्वाडोर या ऑस्ट्रेलिया के आसपास उन्होंने कोई आइलैंड एक्वायर किया है। फिर दिसंबर 2019 में स्वामी नित्यानंद खुद सामने आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने एक अपना खुद से देश बनाया है जिसका नाम है कैलासा, और उसे ये बुलाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के नाम से। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका खुद का एक फ्लैग है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी 520 पन्नों का। इसके अलावा इनकी खुद की करेंसी है और इनका खुद का रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा भी है। इसके अलावा ये एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं वीजा के लिए और वॉलंटियरशिप के लिए। इसके अलावा इनकी खुद की करेंसी भी है जो कि गोल्ड की बनी हुई है और इसे कैलाशियन डॉलर कहा जाता है। इनके वेबसाइट पर यह भी क्लेम किया गया है कि कैलासा को रिकॉग्निशन मिल गया है यूएसए से, बट यूएस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। यूएन भी कैलासा को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट इसके बावजूद भी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स को यूएन में जगह कैसे मिली। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया दुनिया भर में यूएन की ट्रोलिंग चालू हो गई। सभी लोगों ने पूछा कि ऐसे आदमी को यूएन में रिप्रेजेंटेशन कैसे मिला। इस पूरे इंसिडेंट से कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला, अरुणाचलम राजेश करम को स्वामी नित्यानंद किसने बनाया, उनकी सिद्धि भक्ति ने या फिर लोगों के अंधविश्वास ने। दूसरा, स्वामी नित्यानंद के पास इतने पैसे आए कहाँ से कि वो खुद का देश एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं। और तीसरा, यूएन में उनकी घुसपैठ कैसे हुई जबकि यूएन कैलासा को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आपका क्या विचार है इस पूरे इंसिडेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। For more informative videos, please like, share and subscribe. This is Siddharth Deora signing off. See you guys next week.